आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्रायंगल्स, इसकी थ्योरम 6.7 का प्रूफ समझेंगे। तो थ्योरम में क्या गिवन है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू हाइपोटेन्यूज, देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। थ्योरम में हम लोग को एक राइट ट्रायंगल गिवन है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो इसकी नेमिंग कर ली ए बी सी। तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है बी वर्टेक्स पे। ओके, तो थ्योरम में क्या गिवन है कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, यानी कि जिस पॉइंट पे, यानी कि जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है, उस वर्टेक्स से क्या किया गया है, हाइपोटन्यूज। इसके सामने वाली साइड कौन सी है, हाइपोटन्यूज है। तो इस वर्टेक्स से जो है हाइपोटन्यूज पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ओके, हम लोगों ने इसको नाम दे दिया डी। तो हम लोग को क्या प्रूफ कराना है कि अब जो परपेंडिकुलर के दोनों साइड पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि एक तो ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ए डी बी वाला ट्रायंगल, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, ठीक है ना। तो जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए बी डी वाला ट्रायंगल, वो जो है इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है। उसके बाद हम लोग को क्या प्रूफ कराना है कि जो इधर के साइड भी जो ट्रायंगल बन रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर के दोनों साइड पे जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, वो अलग अलग इस पूरे ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है। ओके, तो पहले हम लोग ये प्रूफ कराएंगे कि ये वाला ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर है, फिर हम लोग प्रूफ कराएंगे कि ये वाला ट्रायंगल बी डी सी वाला ट्रायंगल जो है वो ए बी सी के सिमिलर है। ओके, और साथ में ही ये दोनों ट्रायंगल्स भी कैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर है, ये चीज हम लोग को इसमें प्रूफ करानी है। ओके, तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, ये लिख लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। ओके, और बी डी एंड बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। बी डी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है हाइपोटेन्यूज ए सी पे। देन टू प्रूफ, प्रूफ कराना है तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या प्रूफ कराना है कि ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। ओके, फर्स्ट पार्ट में ये प्रूफ कराना है। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या प्रूफ कराएंगे कि ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ओके, और थर्ड पार्ट में हम लोग को क्या प्रूफ कराना है कि ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी। ओके, तो लास्ट में हम लोग को क्या प्रूफ कराना है कि ये दोनों ट्राइंगल भी एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। ओके, तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ पे एंगल ए तो दोनों में ही कॉमन है ना। अगर हम लोग ट्राइंगल ए डी बी लेंगे या ए बी सी लेंगे तो उसमें एंगल ए तो दोनों में ही आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बिकॉज दिस इज कॉमन एंगल। और सेकेंड एंगल हम लोग को कौन सा मिल रहा है, अब देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, तो एंगल ए डी बी वाला जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी सी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी हम लोग को राइट एंगल गिवन है। ओके, एंड क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईच ऑफ 90 डिग्री। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। और यहाँ पे कौन सी सिमिलरिटी लगी है, ए ए सिमिलरिटी। ओके, तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो सिमिलर प्रूफ हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट प्रूफ कराएंगे, ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। अब
देखिए यहाँ पे बी डी सी वाला अगर हम ट्राइंगल लेंगे या ए बी सी वाला ट्राइंगल लेते हैं तो सी वाला एंगल कॉमन आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज कॉमन एंगल। फिर दूसरा एंगल हम लोग को कौन सा मिल रहा है, डी वाला एंगल और बी वाला, दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के हैं, है ना। तो एंगल कौन सा लिखेंगे, बी डी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी बिकॉज दिस इज ईच ऑफ 90 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि ट्राइंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, और रीजन क्या हो गया, बाय ए ए सिमिलैरिटी। ओके, अब देखिए दोनों ही ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ये भी ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर है और दूसरा वाला ट्राइंगल भी जो है ए बी सी के सिमिलर है। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स जो है वो भी कैसे हैं, आपस में सिमिलर है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड वाले में क्या लिखेंगे, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिला हम लोग को कि ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी बी। ओके, ए डी बी वाला ट्राइंगल, ए डी बी वाला जो ट्राइंगल है वो सिमिलर है ट्राइंगल सी डी बी के। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।